आपको दिखाते हैं हम जरा इंडिया का वो मुंबई मेल, इंडिया में जो मुंबई मेल निकल पड़ी है वो यहां पर भी निकलेगी आपके सामने, क्योंकि तमाम नेता जो है वो एक एक करके वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये आपको दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के दिख रहे हैं। तो एक एक करके, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार है, जेडीयू, ये देखिए अब पूरा आपको महाराष्ट्र का कुनबा दिख रहा है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, इनके स्टालिन दिखाई दे रहे हैं। 6 मुख्यमंत्री कुल हैं, हालांकि 11 मुख्यमंत्रियों के विपक्षी गठबंधन में दबा होने की बात होती है वो अलग है, लेकिन 6 मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल हो, ये देखिए माया, ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम, हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे हैं, इसी के साथ तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मिशन एक है इनका कि किसी भी कीमत में 2024 के चुनाव में मोदी की वापसी ना हो सके, और इसीलिए ये तीसरी बड़ी बैठक विपक्षी गठबंधन इंडिया की हो रही है मुंबई में। ये है टीम इंडिया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए 28 दलों को जोड़कर बनाई गई है। 2024 के फाइनल में किस खिलाड़ी का क्या रोल होने वाला है, चुनावी मैदान में कौन से खिलाड़ी को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसलिए पूरी टीम इंडिया मुंबई के ग्रैंड हयात होटल के स्ट्रेटजी रूम में प्लानिंग बनाने के लिए इकट्ठा हुई है। अब स्ट्रेटजी रूम के अंदर टीम मोदी को हराने के लिए क्या रणनीति तय होती है, इसका पूरा खुलासा भी चंद घंटे बाद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं देश के कोने कोने से टीम इंडिया की एकजुटता दिखाने के लिए ये खिलाड़ी कैसे मुंबई पहुंचे हैं। तारीख 31 अगस्त और 1 सितंबर, मेजबान उद्धव ठाकरे, मेहमान इंडिया के 28 दल, मिशन 2024 में मोदी को हराना, जगह मुंबई का ग्रैंड हयात होटल। बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई की बैठक में 26 दलों को जोड़कर टीम इंडिया बनती है, और ये तय होता है कि आगे की रणनीति के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए मुंबई में मीटिंग होगी। अब टीम इंडिया का मुंबई मेल शुरू होता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ दिल्ली से मुंबई पहुंचते हैं, क्योंकि टीम इंडिया का ज्यादातर दारोमदार इन्हीं पर है, या फिर ये कहें कि ये दोनों टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी हैं। पटना से नीतीश कुमार मुंबई की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार टीम इंडिया के वो किरदार हैं जिन्होंने इसकी पूरी अगुवाई की है, और नीतीश को लेकर चर्चा ये भी है कि उन्हें इस मीटिंग में संयोजक भी चुना जा सकता है। मुंबई में नीतीश के बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए जिन पर लिखा था देश मांगे नीतीश। पटना से ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 29 अगस्त को ही मुंबई पहुंच गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने इस टीम को बनाने के लिए पूरा जोर लगाया है। मीटिंग बड़ी है, एजेंडा बड़ा है, और मिशन भी बड़ा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मोदी को हराना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा टीम बड़ी हो, ताकतवर हो, इसके लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी सोच समझ कर किया गया, और इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टीम इंडिया में शामिल किया गया। हम आपको बता दें कि मोदी के खिलाफ टीम इंडिया के मिशन में ममता बनर्जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हैं। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी भी मुंबई की मीटिंग के लिए एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को ही पहुंच गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुंबई वक्त पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, और उन्हें मोदी के खिलाफ प्लानिंग के लिए चुना गया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर थोड़ा सस्पेंस जरूर था, लेकिन वो भी मुंबई की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली से पहुंच गए। केजरीवाल की पंजाब और दिल्ली में सरकार है, इसलिए टीम इंडिया में उनका रोल भी बड़ा है। अखिलेश यादव अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के साथ टीम इंडिया की मुंबई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव यूपी के बड़े खिलाड़ी हैं, वहां 80 सीटों की जंग है और बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में बहुत ही सोच समझकर अखिलेश यादव को टीम इंडिया के लिए चुना गया है। इंडिया की मुंबई बैठक में 28 दल शामिल हुए हैं, इनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके,
आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआईएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस एम, मणिधनया मक्कल काची एमएमके, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफबी, अपना दल कमेरावादी, पीस एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र के एक क्षेत्रीय दल को जोड़कर कुल 28 पार्टियां शामिल हुई हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मुंबई की बैठक में शामिल हुए हैं, क्योंकि झारखंड में उनकी पार्टी का दबदबा है और मोदी के खिलाफ मिशन में हेमंत सोरेन अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी 30 अगस्त को ही टीम इंडिया की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि कश्मीर की राजनीति में फारूक अब्दुल्ला बड़ा किरदार माने जाते हैं। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी श्रीनगर से मुंबई पहुंची हैं। सीपीएम और सीपीआई के प्रमुख सीताराम येचुरी और डी राजा भी मुंबई के स्ट्रेटजी मेकिंग मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मुकाबला तगड़ा है, इसलिए मोदी के खिलाफ टीम को मजबूत बनाने के लिए टीम इंडिया वाले कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अलग अलग जिसे कहा जाता है गुलदस्ता बनता हुआ मुंबई में दिख रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो मिशन 28 है, ये किसी तरह से मोदी सरकार को शिकस्त देने की, पटकनी देने की 24 में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक विजन, एक मिशन के साथ ये पूरा विपक्षी कुनबा आगे बढ़ रहा है। मुंबई के इस मेले में इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ये आगे बढ़ सकते हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। विपक्षी गठबंधन की टीम 28 ने मुंबई वार्ता का एजेंडा क्लियर कर दिया, बता दिया और सरल शब्दों में समझा भी दिया कि इंडिया वालों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अब तक एनडीए की तरफ से यही तंज कसा जा रहा था कि एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूल कैसे सजाए जाएंगे, ये मुश्किल नहीं असंभव है। विपक्षी गठबंधन की तरफ से करारा जवाब आया है, 2024 में विपक्षी गठबंधन को हराना मुश्किल ही नहीं असंभव है। ये सरकार ने रसोई के गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए, जब चौथी बैठक हो जाएगी तो लगभग फ्री दे देंगे, इतना डर उनके मन में बैठा है इंडिया अलायंस का। देखिए, अब इंडिया अलायंस को हराना, मैंने कहा, मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है। यहाँ पे पीएम उम्मीदवार को लेके बीजेपी निशाना साध हमारा, देखो आप अपनी तरफ देखो, हम हमारा काम कर लेंगे, किसको प्रधानमंत्री करना है किसको नहीं करना है ये हम देख लेंगे, अभी तो अभी हमारे सामने ये एजेंडा नहीं है। विपक्षी गठबंधन की ये तीसरी बैठक है, मेजबानी का जिम्मा उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं, तभी तो एक एक मेहमान के दिल के अरमानों का पूरा ख्याल रखा। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है, सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा, जो करोड़पति नहीं आगे क्या होगा, मोदी के खिलाफ रणनीति क्या होगी, टीम के सभी 28 दलों के दिल की बात जुबा पर आ गई। सीनियर लीडर लालू यादव से लेकर फारूक अब्दुल्ला ने एक लाइन में पूरा एजेंडा समझा दिया। इंडिया का मानना है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी महंगाई बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी के विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीज़ें हम लोगों को लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे।
मिशन यही है कि 2024 में एनडीए की छुट्टी करनी है। इसी मिशन के विजन को कोलकाता से मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने भी समझाया। बढ़ाया कितना, बढ़ाया 800, कम किया 200। ऐसा लगता है कभी कोई दुकान में जाओ तो पहले बोलेगा इसका भाव इतना है, उसका बाद आप उसको पूछो ये थोड़े 100 रुपया कम करो, 50 रुपया कम करो तो 25 रुपया कम करता है, पहले बढ़ा देता है और चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से। लेकिन एक गैस का दाम 800-900 भी रहेगा तो कैसे एक परिवार चलेगा, बहुत गरीब परिवार हमारा देश में है। इंडिया वालों का जोश हाई है, तभी तो यूपी की 80 सीटों पर बिछाई गई बड़ी बिसात का जिक्र अखिलेश यादव ने कर दिया। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि यह गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। 2024 में तमाम पार्टियां आपसी अदावत को कैसे भूलेंगी, राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, चेहरा कौन है, इसका जवाब भी विपक्षी गठबंधन ने दिया। प्रधानमंत्री का पद साबुन शैम्पू है क्या? प्रधानमंत्री का पद साबुन नहीं खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री सामूहिकता की चीज होती है लोकतंत्र में। कौन सा विकल्प चाहिए? एक ऐसा विकल्प एक आदमी के सामने किसी की जुबान ना खुले, और दूसरा विकल्प जहां आपको अनगिनत लोग प्रतिभाशाली मिले, संवेदनशील मिले, ये चयन का मामला है। और भारतीय लोकतंत्र दूसरे पहलू को देखेगा, एक व्यक्ति के आत्मबोध, आत्ममुग्धता, व्यक्ति केंद्रित राजनीति को खारिज करना। मतलब विपक्षी गठबंधन ये दिखा रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं, हर मुद्दे का सॉल्यूशन आ गया, बस ऐलान होना बाकी है। नहीं देखिए, ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है, और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं, जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे, ये सारे लोग